हेलो दोस्तों, आज हम एक अद्भुत कहानी की ओर चले जा रहे हैं, द बीएफजी, एक रोमांचक फिल्म जो एक छोटी सी लड़की और एक रहस्यमय दुनिया के विशाल दैत्य के बीच के अनूठे संबंध को दर्शाती है। इस वीडियो में हम इस फिल्म के रोमांचक पलों को जानेंगे, उसकी उत्कृष्ट ग्राफिक्स को देखेंगे और इसके मुख्य पात्रों की अनोखी कहानी को विश्लेषण करेंगे। इस फिल्म के दुनिया में खो जाने से पहले, अगर आपको हमारे वीडियो को अच्छे लगते हैं और ऐसे अनोखे एपिसोड को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल आरआर एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में साथ चलें और द बीएफजी के चमत्कारिक दुनिया में डूब जाएं। यह कहानी है 10 साल की एक प्यारी सी लड़की सोफी की। सोफी लंदन के एक अनाथ आश्रम में रहती है क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। बचपन से ही रहने वाली सोफी एक अजीब तरह की बीमारी का शिकार है जिसका नाम है इंसोमनिया। दरअसल इस बीमारी की वजह से सोफी को नींद नहीं आती और वह रात भर जागती रहती हैं। एक दिन रात सोफी बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सोफिया खिड़की में से आकर देखती है, कुछ लोग शराब पीकर बहुत शोर कर रहे होते हैं। ये देखकर सोफी उन लोगों को धमकी देती है। कुछ समय बाद फिर सोफिया को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर आकर देखती है, कुछ बिल्लियां एक डस्टबिन को गिराकर भाग रहे हैं। फिर अचानक सोफी को अचराती है एक बड़े हाथ गिरे हुए डस्टबिन को उठाते हुए। ध्यान से देखने के बाद सोफी को दिखाई देती है एक विशालकाय दैत्य जो सोफी को देख लेती है। सोफी डरी हुई रूम में आकर छुप जाती है, लेकिन विशाल दैत्य आकर सोफिया को एक हाथ से पकड़कर ले जाता है। सोफी को कुछ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि विशाल दैत्य पलक झपकाते मिलों दूर, झरने, पहाड़ पर्वत पार कर जाते हैं। फिर सोफिया और विशाल दैत्य आकर पहुंचते हैं एक अनजान और अजीब देश में। दरअसल ये अनजान देश में ही ये विशाल दैत्य रहते हैं। सोफिया को विशाल दैत्य ने अपने घर पर ले जाते हैं। फिर दैत्य ने अपने खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। इसी दौरान सोफिया ने चुपके से धीरे धीरे दैत्य के घर से भागने की कोशिश की है, लेकिन दैत्य को पता चल जाते हैं और सोफिया को पकड़ लेते हैं। दैत्य ने सोफिया को बताया कि तुम अभी यहां से नहीं निकल सकते क्योंकि तुम अभी जायंट कंट्री में हो। विशाल दैत्य ने सोफिया को बताया कि यहां से तुम गलती से भी बाहर मत निकलना क्योंकि अगर निकल गई तो ये दैत्य तुम्हें खा जाएंगे। ये बेहद खतरनाक होते हैं, इन्हें इंसान खाने में बेहद शौकीन है और बच्चों को तो जिंदा निकल जाएगा। ये बात सुनकर सोफी काफी डरी हुई होती है। सोफी ने पूछा, क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? सवाल को सुनकर बुरे दैत्य ने कहा कि मैं शाकाहारी हूं, मैं कभी भी इंसान नहीं खाता। सोफिया ने सवाल किया कि उन्हें क्यों उठा लाया गया है। बुरे दैत्य ने कहा, अगर तुमको नहीं उठा लेते तो तुम जोर जोर से चिल्लाती और सबको बता देती। ये बात अगर पूरे देश में फैल जाती तो तुम्हारे देश के लोग हमें तलाश करने निकलते और हमको मार डालते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वास्तविक में हम सभी की जान खतरे में डाले, इसलिए तुम अब हमेशा जिंदगी भर जायंट कंट्री में ही रहना होगा। बूढ़े दैत्य अपने बैग से एक बोतल निकालते हैं जिसमें एक रोशनी होती है। सोफी पूछती है, आखिर इस बोतल में है क्या? बूढ़े दैत्य कहते हैं, इसमें सपने हैं। लेकिन सोफी ने आज तक सपने नहीं देखी हैं क्योंकि सोफी इंसोमनिया बीमारी के कारण रात भर सो नहीं पाती। बूढ़े दैत्य ने सोफी की किताब पढ़कर सोफी को सुनाते हैं और सोफी कुछ ही पल में सो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सोफी रात को नींद से उठ जाती है। वे देखती हैं कि बूढ़े दैत्य सो रहे होते हैं और उसी का फायदा उठाकर सोफी यहां से भागने की कोशिश करती है। सोफी जब घर से बाहर निकलकर आती है, कुछ ही दूर में सोफी को इंसान खाने वाले दैत्य ने पकड़ लिया है और सोफी जोर जोर से चिल्लाती है। ये सारी घटना बूढ़े दैत्य देखते हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान खाने वाले दैत्य सोफी को निगल जाते हैं और सोफी इसी वक्त नींद खुल जाती है। दरअसल सोफी सपने देख रही थी और वो सपने बूढ़े दैत्य दिखा रहे होते हैं ताकि सोफी गलती से भी अकेले घर से बाहर न जाए। थोड़ी देर बाद बूढ़े दैत्य के घर पर इंसान खाने वाले दैत्य के सरदार आ जाते हैं। विशाल दैत्य को देखकर सोफी डर जाती है और बूढ़े दैत्य सोफी को छुपाते हैं। मंच खाने वाले दैत्य बूढ़े दैत्य के घर कुछ खाने के लिए आते हैं। अचानक विशाल मंच खाने वाले दैत्य को कुछ नई खुशबू मिलते हैं
दरअसल मंच खाने वाले दैत्य को इंसान के खुशबू का पता चलता है। एक बार टेबल में रखे हुए सब्जी के अंदर घुस जाते हैं। बूढ़े दैत्य को सब्जी के अंदर सोफी है ये पता नहीं चलते, इसलिए मंच खाने वाले दैत्य को सब्जी खाने देते हैं। जब विशाल दैत्य खाने वाले होते हैं तब सब्जी में से सोफी को निकलते हुए देखकर विशाल दैत्य को खाने के लिए मना करते हैं, ये बोलकर कि विशाल दैत्य तो इंसान खाते हैं, ये सभी नफरत करते हैं। तभी विशाल दैत्य ने सब्जी को ना खाकर फेंक देते हैं और चले जाते हैं। सोफी को विशाल दैत्य से बचाते हुए बूढ़े दैत्य ने सोफी को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। सोफी को अच्छे से नहलाकर नए कपड़े दिए जाते हैं और उनके लिए एक कमरे का इंतजाम किया जाता है ताकि विशाल दैत्य से बचे रहें। सोफी को उनके कमरे पर रखकर बूढ़े दैत्य अपने काम पर निकलने वाले होते हैं। तभी सोफी भी साथ जाने का जिद करते हैं। बूढ़े दैत्य पहले राजी नहीं होते, पर सोफी की जिद की वजह से बूढ़े दैत्य सपने पकड़ने जाते हैं ये बोल देते हैं और सोफी को भी साथ में ले जाने का फैसला करते हैं। बूढ़े दैत्य ने सोफी को बड़ी सावधानी से बड़े दैत्य के सामने से ले जा रहे होते हैं। वक्त सारे विशाल दैत्य सो रहे हैं कि अचानक एक विशाल दैत्य ने बूढ़े दैत्य को पकड़ लिया और पूछता है कि तुम चुप चुप कर कहां जाते रहते हो। बूढ़े दैत्य बोलते हैं अपने काम पर जा रहा हूं। इस बात सुनकर विशाल दैत्य के सरदार गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से हम सबको एक दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी सोफी भागकर एक गाड़ी के अंदर छुप जाती है। इसी दौरान सभी विशाल दैत्य एक साथ होकर बूढ़े दैत्य को परेशान करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद बूढ़े दैत्य सभी को ऊपर दिखाते हुए बोलते हैं कि बारिश गिरने वाले हैं और कुछ ही सेकंड के बाद बारिश होती है। विशाल दैत्य बूढ़े दैत्य को वहीं छोड़कर सभी डरकर गुफा में चले जाते हैं। दरअसल विशाल दैत्य पानी से डरते हैं, उन सभी को पानी से एलर्जी होते हैं। इसी दौरान बूढ़े दैत्य ने सोफी को अपने बैग में छुपाकर वहां से सपनों को पकड़ने चले जाते हैं। लेकिन सोफी के साथ जो चादर थी वह एक दैत्य के पैर में लगे रहते हैं। सपनों की देश में सोफी और दोस्ताना दैत्य अच्छे और बुरे सपनों को पकड़ते हैं। दैत्य ने बताया कि उसका केवल नाम रंट। इसी समय सोफी और बूढ़े दैत्य के बीच एक प्यारी संबंध हो जाते हैं। सोफी ने बूढ़े दैत्य को बोला, मैं आज से आपको बिग फ्रेंड जायंट यानी कि BFG नाम से बुलाएंगे, और बूढ़े दैत्य मान लेते हैं। BFG सोफी को लेकर सोफी के देश आते हैं। BFG एक अच्छे दैत्य हैं, जो हमेशा सपने पकड़कर बच्चों को दिखाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले। BFG को यह मालूम होता है कि सोफी ने अपनी चादर खो दी है, जो उसकी मौजूदगी को दूसरे दैत्यों को प्रकट कर रही है, और वह उसे उसके अनाथालय के बाहर छोड़ देता है। दैत्य खुले दिल से खुश होता है जब उसका अंतिम मानव साथी पढ़ने की आदत थी और उसने BFG को पढ़ना सिखाया, लेकिन दुख से उसे खो दिया गया और वह सोफी को खतरे में डालने का इरादा नहीं बना है और चला जाता है। सोफी BFG की बात नहीं मानती और उसके साथ जाने की जिद करती है। सोफी को भरोसा होता है कि BFG उसके आसपास ही हैं, लेकिन BFG सच में सामने ही थे। उन्होंने सोफी को पकड़ लिया और अपने साथ फिर से जायंट कंट्री ले गए। BFG सोफी को जायंट कंट्री ले जाता है और यहां इंसान खाने वाले दैत्य के सरदार BFG को नजर रखते हैं। इंसान खाने वाले दैत्य को ठिकाने लगाने के लिए BFG और सोफी कुछ उपाय सोच रहे होते हैं। उसी समय इंसान खाने वाले सभी दैत्य BFG के घर में घुस जाते हैं। उन लोगों को यकीन होता है कि BFG के पास इंसान है। उसे खाने के लिए सभी लोग इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने BFG के काम को बहुत कुछ नष्ट किया। अपने कीमती सपनों को बर्बाद होते हुए BFG को बहुत दुख होता है। इंसान खाने वाले दैत्य पर BFG काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन वे अकेले कर भी क्या सकते हैं। लेकिन सोफी जासूसी से बचती है और BFG उन्हें एक गर्म लोहे के साथ भगाता है। सोफी ने BFG को एक बड़ा सपना साझा किया। उसने कहा कि उसके सपने में सभी इंसान खाने वाले दैत्य इंग्लैंड में होंगे और वे कई बच्चों को घर से उठाकर खा जाएंगे। सोफी भी उस सपने में होंगी और वह रानी के सोने वाले कमरे के बाहर खड़ी होगी। BFG और सोफी रानी से मिलकर इंसान खाने वाले दैत्य से बदला लेने के लिए मदद मांगेंगे। यह सपना बनाकर वे इंग्लैंड की रानी को दिखाएगी। रानी से मदद मांगकर आर्मी के साथ BFG और सोफी जॉइंट कंट्री में जाते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये है कि BFG एक सपना तैयार करेगा, जो सपना इंसान खाने वाले दैत्य सोते सोते देखेंगे
और देख के जब भी नींद से उठेगी अपने किए हुए कर्म से गिल्टी महसूस करेगी। अब दैत्य से बदला लेने का वक्त आ चुके हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है कि सपने दिखान वाले जो औजार होती हैं वह इंग्लैंड में ही छोड़कर आते हैं। अब सपने उन दैत्यों को कैसे दिखाएगी ये सोच ही रहे होते हैं, सोफी उन सपनों को एक बोतल में सोए हुए दैत्यों के पास ले जाते हैं। उसी समय दैत्यों के सरदार उठ जाते हैं और सोफी को पकड़ने वाले होते हैं। बीएफजी आकर सोफी को बचा लेती है। गुस्से होकर दैत्यों के सरदार ने बीएफजी को मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी इंग्लैंड की आर्मी आकर सभी दैत्यों को बंध कर हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत दूर ले जाती है। उन सभी दैत्यों को समुन्दर के बीच ही बीच एक आइलैंड पर फेंक के आते हैं, जहां दैत्य कभी वापस नहीं आ सकेंगे, और साथ ही बहुत सारे सब्जियां या और उनके सब्जी के बीज फेंक देते हैं ताकि वो लोग खेती करके सिर्फ सब्जी ही खा सकें। देखकर सभी दैत्यों रोने लगे क्योंकि उन लोगों को सब्जियां पसंद नहीं होते, लेकिन अब क्या करें, सब्जी के अलावा और कुछ खाने के लिए है ही नहीं। और इसके बाद में सोफी को मैरी ने गोद लिया है। वह महल में रहने आई है और वह बीएफजी के सपनों में से एक सपने से जागती है, जो अपने जीवन में वापस जाता है और उनके एहसासों को सुनता है। उसके गहरे आवाज से वह उसके संगी के शब्दों को सुनता है और मुस्कुराता है। वह बीएफजी की दुनिया में वापस जाता है और उनके साथी दैत्यों के साथ उनके एहसासों की कहानी लिखता है। वह जब भी अकेलापन महसूस करती है तो वह उससे बात करती है। अपने घर में बीएफजी उसके शब्दों को सुनता है और मुस्कुराता है। और यही पे ये कहानी अंत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए ये एपिसोड बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।